वाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी सुधा ब्लॉग। आप सभी को राम राम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ आप लोग के आशीर्वाद से। तो आज मैं मम्मी के साथ कहीं जा रही हूँ घूमने, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि मेरे साथ चलना है आज। तो मैं मम्मी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ कि हाँ चलना है। तो जब मैं ये वाली कुर्ती पहनी रही थी तो मम्मी ने बोला कि नहीं, ये वाला कुर्ती नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि एक साइड इधर, एक साइड एक इधर कलर है। तो लेकिन ये काफ़ी दिन से रखा था तो मैंने ये वाली कुर्ती पहनी। तो गाइस कमेंट में बताइए कि सच में ये वाली कुर्ती नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ये वाली पहनी। फिर आके बाहर बैठी थी तो मम्मी का वेट कर रही थी कि मम्मी आए बाहर, तो फिर साथ में चलते हैं, क्योंकि वो मम्मी अभी तैयार हो रही थी। तक मैं वहाँ बैठी थी तो मेरे ये दोनों भाई आ गए बाइक से, क्योंकि ये आए थे सौरभ को बुलाने, क्योंकि मुझे पता चला कि मुझे इनके घर पे जाना है, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि आज चलना है, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। लेकिन परवा ने बताया कि आज मुझे दद्दा के घर पे जाना है। यहाँ बैठी थी तो ये लोग हंसा रहे थे। इसके बाद में मम्मी आ जाती हैं। फिर मम्मी की थोड़ी इस टाइम तबीयत सही नहीं रहती है ना, क्योंकि उनको हार्ट में प्रॉब्लम है, तो इनको ठंडक भी बहुत लगती है। मम्मी की सेहत भी सही नहीं रहती है। जब मैं यहाँ पहुँची तो काफ़ी वैसे सही से क्लियर चेहरा नहीं आ रहा था, और फिर यहाँ पे दद्दा भी आ गए और ये उनकी माता जी बैठी थी। फिर यहाँ पे दद्दा की शादी की सब बात कर रहे थे, ऐसे हंसी में कर रहे थे कि 2025 में इनकी शादी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, क्योंकि अभी इनसे बड़े भी भाई लोग हैं, फिर उनकी शादी होगी, फिर इनकी नंबर आएगी। बस थोड़ी हंसी मजाक चल रही थी आपस में, सब लोग हंस रहे थे। और फिर यहाँ पे भाभी आ जाती हैं, क्योंकि आज मुझे पता चला कि अच्छा आज भाभी का मुँह दिखाई है, तो इन्होंने मम्मी का भी पाँव छुआ और मेरा भी छुआ। फिर यहाँ पे भाभी बैठ जाती हैं तो मम्मी इनको मुंह दिखाई देती हैं। फिर मैंने बोला कि भाभी का तो मैंने चेहरा देखा ही नहीं, मैंने बोला मेरी टू फैमिली को भी आप अपना चेहरा दिखा दीजिए, तो उन्होंने दिखाया। और वैसे मुझे काफ़ी भाभी बहुत अच्छी लगी। और गाइस आप लोग को कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताना कि भाभी कैसी। हर चीज़ खूबसूरती से डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, तो भाभी का नेचर गाइस बहुत अच्छा है। और फिर मैं वहाँ से मम्मी के साथ वापस घर आने लगती हूँ, तो घर ज़्यादा दूर नहीं था, पास में था। और फिर मैं मम्मी से कुछ बातें करते हुए रास्ते में आ रही थी, क्योंकि मम्मी को डॉक्टर ने बोला है थोड़ा पैदल चलने के लिए, क्योंकि उनका सेहत थोड़ा ठीक नहीं रहता है। फिर मैं घर पे आके आप लोग को दिखाई कि मैं पैर चुवाए क्या पाए, तो मैं एक हैंकी पाई थी और 20 रुपीज़ पाई थी, और मम्मी को भी भाभी ने पैर चुवाई एक हैंकी और 100 रुपीज़ दिए थे। और फिर गाय सौरभ ने बोला कि हैंकी नहीं लिया जाता है, क्योंकि इससे लड़ाई होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं गाय, सच में ऐसा होता तो आप लोग कमेंट में बताना। गाइस तो टाइम बहुत हो गया है और मुझे भी प्रिपरेशन भी करना रहता है, क्योंकि मेरा पेपर भी नज़दीक आ रहा है ना, तो मुझे प्रिपरेशन भी करना रहता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो जब आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोग को बता दूँगी कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हूँ। और गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।